गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस बेहतरीन बुधवार के वेबिनार में। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग सीखने के लिए यहां पर रेडी हैं, यहां पर तैयार हैं और आज जूम पे लॉगिन होकर के बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, जो कि लेने वाले हैं एक बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन हमारी कंपनी के, जिनको बहुत ही डीप नॉलेज है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए। क्या बात है, वेरी नाइस। इसका मतलब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है और नाइस। तो बहुत सारे यस आ चुके हैं, यानी आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो बुला लिया जाए आज के वेबिनार के स्पीकर को, जो हमें बताने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, हमारे पर्सनल केयर, हमारी ग्रूमिंग के बारे में, हमारे खुद के ख्याल के बारे में। तो एक बेहतरीन टॉपिक इस बुधवार का हमेशा रहता है कि हम अपने खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी जानकारी देने के लिए आज के स्पीकर यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं बुलाने वाला हूं आज के स्पीकर को, जो बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के चलते हैं SHPL में। और क्या बात है, पहले से ही वेलकम शुरू हो गया है, तो उनको बुलाते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस अनुषा मैम का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आज के इस वेबिनार में, ताकि वो हमें पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में कुछ सिखा पाए। तो एक बार वेलकम करेंगे अनुषा मैम का। अनुषा मैम, अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज जी जी मैं यहीं पे हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड ऐसे ही वार्म वेलकम के लिए थैंक यू। वेलकम मैम, कैसे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ठंड तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है लेकिन ठंड है। बिल्कुल, आपके कोलकाता में ज्यादा नहीं है बट यहाँ काफी अच्छी ठंड है। राइट मैम, ओवर टू यू, दिस वेबिनार इज योर्स, सो प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कि सबका चैट बॉक्स में अभी भी कमेंट्स आ रहा है, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। चेन्नई का भी टेम्परेचर यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे एक कमेंट आया है चेन्नई में बिल्कुल नहीं है ठंडा। ओके, तो बहुत सारी जगह पे ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ठंडा बहुत ज्यादा है, जैसे कि दिल्ली में, बिहार में, जम्मू में, कश्मीर में। सो ये सब एरियाज में ठंड बहुत ही ज्यादा है एंड कोई कोई एरियाज में उतना भी ठंड नहीं है। सो चलिए ऐसे ही टेम्परेचर्स तो अप डाउन रहते ही है, सो ऐसे ही हम लोग चलते हैं। बिहार में लोग परेशान हैं, हाँ बिहार में लोग परेशान हैं, ऐसे ही बहुत जगह पे लोग परेशान हैं, ठंड बहुत बढ़ रहा है। नॉर्थ बंगाल के साइड में, मतलब सिलीगुड़ी की साइड में भी बहुत ज्यादा ठंडा है एंड ऐसे बहुत सारे एरियाज में बहुत ज्यादा ठंडा है। सो एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का फिर से थैंक यू। एंड आज का जो वेबिनार का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आप लोग पिछले वेबिनार में आप लोग ही ये सजेशन किए थे, आप लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट था कि अगर हम लोग हेयरफॉल के ऊपर
एक बार और जानकारी आप लोगों को देंगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बिजनेस में हेल्प करेंगे. सो सेम एज आज का टॉपिक आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों का सजेशन था, सो ये आप लोगों के सजेशन के हिसाब से आज का टॉपिक है कैसे हेयर फॉल को हम लोग रोकेंगे विद आवर SHPL प्रोडक्ट्स. सो हाउ टू स्टॉप आवर हेयर फॉल एंड हेयर फॉल का क्या क्या सोल्यूशन है SHPL में. सो इसी के ऊपर आज का टॉपिक रहेगा. सो चलिए जल्द से जल्द देख लेते हैं हम लोग के पास क्या क्या सॉल्यूशन है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए, एंड आपके न्यू हेयर्स कैसे ग्रो हो, या फिर आपका हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे बाहर आए, तो इसका सॉल्यूशन चलिए देख लेते हैं. सो यहाँ पे लोग एरियाज भी कमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए सिर्फ नाम से पता नहीं चलता है कभी कभार कि कहाँ से बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर का बात हो रहा था तो यहाँ पे एक मतलब शरीफी मैडम होगा या सर होगा, कोई भी होगा क्योंकि नाम तो शो नहीं हो रहा है. सो आज शाम गलाघाटा से वो मैसेज किए हैं. सो कहीं ना कहीं ये आप लोग का इंटरेक्शन, आप लोगों का कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं. सो आप लोग ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहिए, एंड चलिए हम लोग ऐसे ही वेबिनार पे चले जाते हैं एंड आज का टॉपिक को देख लेते हैं. सो आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो आप लोग जल्द से जल्द रेज हैंड कर दीजिए. Yes, okay. So, चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है, स्टॉप हेयर फॉल. तो अभी हेयर फॉल तो एक कॉमन इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इससे कैसे हम लोग बाहर आए और ये हेयर फॉल को कैसे हम लोग रोके, और हम लोग के जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उस ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम से बाहर आए. सो चलिए देख लेते हैं हेयर फॉल रिलेटेड, मतलब ये जब भी हेयर फॉल आता है तो हम लोग का कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है. और ये हेयर फॉल अभी सिर्फ कॉमन प्रॉब्लम नहीं, ये एक ट्रेंडिंग भी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा अभी कोई भी नहीं है, कोई लेडीज नहीं है, या फिर जेंट्स भी कई हद तक ऐसे, मतलब 60-70% जेंट्स भी है जिनका हेयर फॉल हो रहा है. सो लेडीज में तो मैं एकदम दावे के साथ बता सकती हूँ कि 98% लेडीज में हेयर फॉल हो रहा है. 98%, 2% को छोड़ के वो अलग, मतलब वो लोग थोड़ा हम लोग एक्सेप्शनल पकड़ते हैं 2% को, क्योंकि वो लोग मेंटेन करते हैं या फिर उन लोगों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है नहीं, उतना नहीं हो रहा है. सो देयर आर ओनली 2%, लेकिन 98% लेडीज को हेयर फॉल का प्रॉब्लम अभी हो रहा है. 98% women, and men's को भी, men's को भी लगभग 70-75% men's को ये hair fall का problem हो रहा है. So definitely जब भी हम लोग comb करते हैं, जब भी हम लोग hair को set करते हैं, तो कहीं ना कहीं comb में जब इतना ज्यादा hairs आ जाता है तो कहीं ना कहीं expressions हम लोग का ऐसा हो जाता है. ऐसा हो जाता है क्योंकि सबको ये फेस करते हैं कि ये एक ट्रबल है कि इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना अभी कैसे हम लोग इसको डील करें, कैसे हम लोग इससे बाहर आए. तो ये कहीं ना कहीं सबको ही बहुत टेंस्ड हो जाते हैं एंड हम लोग का एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है. इफ यू एग्री विथ माई पॉइंट देन यू कैन रेज योर हैंड कि आप लोगों का भी अगर कॉम्ब करते टाइम अगर ऐसे हेयर फॉल्स होते हैं एंड आप लोगों का एक्सप्रेशन अगर ऐसा हो जाता है देन यू कैन डेफिनेटली रेज योर हैंड्स. देखिए आप लोग भी रेज हैंड्स कर रहे हैं. सो आप लोगों का भी एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है. सो चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि कुछ पॉइंट्स, जैसे इन जनरल हेयर फॉल इज बन, जैसे कुछ पॉइंट्स मैं अगर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि जाके आप लोगों का ये पॉइंट बहुत ही इजी हो जाए कि हेयर फॉल क्यों होता है एंड हेयर फॉल अच्छे हैं या बुरे हैं या फिर हेयर फॉल कितना हद तक हम लोगों को सहना है, ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी. सो देखिए इन जनरल हेयर फॉल जो एक प्रॉब्लम है, ये डेफिनेटली ये कहीं हद तक ये प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि अगर ये सीवियर, मतलब बहुत ज्यादा अगर अमाउंट में नहीं पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम लोग के 100,000 ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स आर देयर, मतलब जो हम लोग का
लेंथ को इंक्रीज करते हैं. हर मंथ हम लोग का हेयर का लेंथ इंक्रीज होता है एंड एवरी अराउंड मतलब 6 ईयर्स ये कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग स्टेज में चला जाता है. एवरी ईयर मतलब एक हेयर का उम्र हम लोग पकड़ सकते हैं 5 to 6 ईयर्स. तो डेफिनेटली मतलब ये एक हेयर का अगर 5 to 6 ईयर्स उम्र हो गया है तो वो तो झड़ेगा, वो नॉर्मल है. नॉर्मली हम लोगों का हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन वो जब कहीं हद तक मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में आने लगेगा, बहुत ज्यादा जब हम लोग कॉम करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोगों का हेयर फॉल होता है, या फिर शैम्पू करने के टाइम बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है. सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन हम लोग को ये टेंशन लेना है, या फिर हम लोग को ये इसके बारे में हम लोगों को बहुत ही मतलब गहराई से सोचना है एंड इसका सोल्यूशन निकालना है. लेकिन अगर ये बहुत ही कम हो रहा है मतलब कॉम करने के टाइम आपका 2-3 बाल झड़ रहा है, या फिर शैम्पू करने के टाइम आपका 10-12 बाल झड़ रहा है, सो इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल. तो तब हम लोग को ऐसा टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं. तो अभी हम लोग कौन सा मैटर को लेकर टेंशन करेंगे, जब ये मात्रा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है. सो अभी हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हम लोग के हेयर्स कैसे हम लोग समझेंगे, और हेयर्स का ये जो टोटल स्टेज होता है, कैसे हेयर फॉल होता है, ये एक बेसिक नॉलेज हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग का हेयर फॉल होता है एंड कैसे इसको हम लोग को रोकना चाहिए. सो डेफिनेटली देयर आर 100,000 हेयर स्ट्रैंड्स एंड ये जैसे कि किसी का हेयर लेंथ छोटा है, किसी का हेयर लेंथ बड़ा है, वो तो डिपेंड करते हैं हेयर कटिकल्स के ऊपर, हेयर फॉलिकल्स के ऊपर. लेकिन हम लोग का टोटल इन एवरेज वी कैन से सबके लिए 100,000 हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं. एंड अभी चलिए देख लेते हैं हेयर फॉल का जो स्टेज है वो कैसे आते हैं. तो ये एक हेयर साइकिल है जो आप लोग देख सकते हैं. तो एकदम फर्स्ट जो डायग्राम में ये दिख रहा है कि 2 to 6 ईयर्स ये एक्टिव ग्रोथ में रहता है, यानी कि मैंने पहले ही कहा एक हेयर का उम्र हो सकता है 5 to 6 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. सो डेफिनेटली ये अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे एनाजेन फेज जो फर्स्ट डायग्राम में शो हो रहा है, सो ये एक हेयर का एक्टिव ग्रोथ होने का फेज है. यहाँ पे 2 to 6 ईयर्स ये मतलब एक्टिव ग्रोथ, ये 6 ईयर्स इट कैन बी 2 to 5 ईयर्स ऑल्सो, मतलब 2 to 6 ईयर्स की मिडिल में ये एक्टिव ग्रोथ में रहता है कोई भी हेयर. यानी कि हम लोग एक हेयर का जब उम्र होता है 2 साल, 2 साल से लेके 6 साल तक इसका एक्टिव ग्रोथ रहता है, मतलब ये बढ़ेगा हर मंथ, इसका लेंथ इंक्रीज होगा, इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा. आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फेज में जो कि है कैटाजेन फेज, जिसको हम लोग कैटाजेन फेज बोलते हैं. एंड आई थिंक ये भी ये डायग्राम भी आप लोगों को शो हो रहा है. सो डेफिनेटली ये अगर मैं बताऊंगी तो ये कैटाजेन फेज में 2 to 4 वीक्स ये अपना ग्रोइंग जो एक स्टेज था ये बढ़ रहा था धीरे धीरे, ये कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, ये स्टॉप कर देता है टोटली. मतलब वो ग्रो नहीं करता है, वो कुछ एक्टिविटीज नहीं करता है, वो टोटली रेस्ट पोजिशन में आ जाता है, टोटली स्टॉप हो जाता है. एंड ये इसका कोई ग्रोथ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये जस्ट स्टॉप हो जाता है. सो इसका ये 2 to 4 वीक्स ऐसे ही रहते हैं. एंड आफ्टर दैट ये जो थर्ड डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं टैलोजन फेज, यहाँ पे जब फॉलिकल रेस्ट यानी कि फॉलिकल विदय लेने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे 3 to 5 मंथ्स का स्पैन ऑफ टाइम है जहां पे ये मतलब निकल जाता है आपके वो जो हम लोग का फॉलिकल्स है, फॉलिकल से ये हेयर निकल जाता है. सो ऑन 3 to 5 मंथ्स ये निकल जाएगा. सो ये मंथ में हर हेयर्स का हम लोग के पास 100,000 हेयर स्ट्रैंड्स है एंड हर हेयर का ये एक ऐसा फेज आता है. सो डेफिनेटली तो फिर ये कॉमन रीजन है कि हम लोग का हेयर फॉल होगा.
आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नॉर्मल हेयर फॉल कैसे होता है एंड इसको लेके उतना भी टेंशन नहीं लेना है. कब टेंशन लेना है? जब वो मात्रा बहुत ज्यादा होगा. सो डेफिनेटली इट्स अ नॉर्मल फेज एंड नॉर्मल फेज में हम लोग का हेयर फॉल होगा, जैसे कि टैलोजन फेज में हो रहा है. सो टैलोजन फेज में आप लोग देख रहे हैं कि डायग्राम में ये फॉलिकल से ये हेयर कितना दूर जा रहा है, यानी कि ये धीरे 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 निकल रहा है. एंड डेफिनेटली ये टोटल 3 स्टेज है जो हर हेयर को फेस करना पड़ता है, ये साइकिल को मेंटेन करना पड़ता है. एंड इसी के हिसाब से हम लोग का हेयर का ग्रोथ होते रहते हैं, हेयर का ग्रोथ बरकरार रहते हैं. एंड आफ्टर दैट सेकेंडली मतलब नेक्स्टली ये फिर से सेकेंड स्टेज में चला जाता है एंड फिर से अगेन ये सारे साइकिल को वो कंप्लीट करता है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पुराने हेयर थे, जो ओल्ड हेयर थे, वो टोटली उड़ के बाहर चला गया है एंड डेफिनेटली अ न्यू हेयर फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि फिर से ये एक न्यू हेयर फॉर्मेशन हो रहा है. सो ये धीरे 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 फिर से बढ़ेंगे, फिर से ये एनाजेन फेज कंटिन्यू करेंगे, फिर से कैटेजन फेज कंटिन्यू करेंगे, फिर से टैलोजन फेज कंटिन्यू करेंगे. सो डेफिनेटली दिस इज ऑल द हेयर साइकिल. ये 3 स्टेज है, ये 3 स्टेज को पार करना पड़ता है कोई भी हेयर्स को. तो इसीलिए एक नॉर्मल मात्रा में हेयर फॉल होना डेली बेसिस में इट्स वेरी कॉमन मटेरियल, इट्स वेरी कॉमन एक सिचुएशन है जहां पे हम लोग का नॉर्मली हेयर फॉल हो सकता है. सो इसको लेके हम लोगों को उतना टेंस्ड नहीं होना है. लेकिन अभी आते हैं टेंस्ड कब हम लोग रहेंगे या फिर कब इसको लेके टेंशन लेना है. जब मात्रा बहुत ज्यादा, यानी कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा, हेयरफॉल का अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑन दैट सिचुएशन हम लोग को इसको लेके सोचना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको केयर करना पड़ेगा. सो आई थिंक द हेयर साइकिल इज क्लियर. अगर क्लियर है तो आप लोग जल्द से जल्द रेज हैंड कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए कि ये जो नॉर्मल मतलब ये तो लगभग सभी को शायद पता था या फिर किसी को नहीं पता था. तो आई थिंक आज के बाद ये क्लियर हो गया है कि कैसे हेयर फॉर्म होते हैं एंड कैसे हेयर रिलीज भी हो जाता है. सो आई थिंक इट्स क्लियर. यस. सो सबका कमेंट्स आ रहा है, रेज हैंड्स भी हो रहा है. सो आई थिंक इट्स क्लियर. सो चलिए अभी हम लोग चलते हैं हेयर फॉल की तरफ. सो मेजर कॉजेज ऑफ हेयर फॉल, तो बहुत सारे मेजर ऐसे कॉजेस है जिसके वजह से हेयर फॉल होता है. आप सभी लोग भी जानते हैं, आप सभी लोगों के पास भी ये नॉलेज है कि जैसे पॉल्यूशन, यूवी रेज, सब ऐसे बहुत सारे रीजंस है. तो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. तो पहला तो एक रीजन है जो कि है पॉल्यूशन. डेफिनेटली अभी पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि पॉल्यूशन इज द मेन मेजर रीजन फॉर आवर हेयर फॉल. एंड उसके बाद अगर हम लोग आ जाएंगे यूवी रेज, अब यूवी रेज से इतना हार्मफुल रेडिएशन आते हैं हेयर्स में, वो भी एक रीजन होता है कि हम लोग का हेयर फॉल के पीछे. एंड उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. सो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम. कि ये प्रॉब्लम आप लोग भी जानते हैं कि अगर किसी का स्ट्रेस एंड एंजाइटी का प्रॉब्लम है, यानी कि नींद सही से नहीं होता है, एंड अगर किसी कोई लोग कोई पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है, तो ऑन दैट केस उनका स्किन का एंड हेयर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है, हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है. सो डेफिनेटली स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड दैट. एंड उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनल बैलेंस. डेफिनेटली हार्मोनल प्रॉब्लम भी एक रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल के पीछे. एंड उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रखे हैं. सो इसके बाद आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. डेफिनेटली तो ये एक मेजर कॉज है, क्योंकि अगर आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उससे आपका स्किन एंड हेयर दोनों का प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं. और इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं
जो लोग आते हैं हर मंडे ट्यूजडे आपके साथ शेयर करने के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में. सो डेफिनेटली आप लोग उनसे सलाह लीजिए एंड आपका न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो हटाए. सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज ऑल्सो अ मेन कॉज फॉर योर हेयर फॉल. उसके बाद आ जाते हैं किसी का जेनेटिक्स, यानी कि किसी का ये जेनेटिक होता है कि बाल उतना ज्यादा है नहीं. एंड इफ यू अपीयर कि मुझे बाल बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन मेरे जेनेटिक में मेरे जीन में मेरे फैमिलीज में किसी का उतना ज्यादा हेयर्स नहीं है एंड बहुत कम ही हेयर्स होते हैं अगर किसी का फैमिली में ऐसा चल रहा है. सो ऑन दैट पर्पज इट्स ऑल्सो अ कॉज, तब हम लोग ऐसा नहीं बता सकते कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा. सो इट्स ऑल्सो अ कॉज जेनेटिक्स. एंड डेफिनेटली और एक रीजन अगर मैं बताऊंगी वो है नेचुरल एजिंग. सो नेचुरल एजिंग, जैसे कि एज के साथ साथ हम लोग का बहुत सारे चेंजेस आते हैं. आफ्टर 30, आफ्टर 35 हम लोग का एज पिगमेंटेशन स्किन में बहुत सारे चेंजेस, सेम एज हेयर में भी चेंजेस आता है. हेयर भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, कलर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो डेफिनेटली एजिंग इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ योर हेयर फॉल. एंड प्री मैच्योर एजिंग इज अ डिफरेंट मटेरियल. सो प्री मैच्योर यहाँ पे मैंने एड नहीं किया है. सो दैट्स अ डिफरेंट. एंड यहाँ पे और एक जो चीज है जो बहुत ही वाइटल एंड इम्पोर्टेंट है जो सबको जानना भी चाहिए एंड लगभग सभी विमेन के पास ये नॉलेज है, सभी विमेन जानते हैं क्योंकि सभी विमेन एक बार ये फेस को फेस करते हैं. सो डेफिनेटली प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. So on that period, on that phase of time, hair fall होता है and तब लेडीज को या फिर विमेन्स को, हर विमेन्स को बहुत सारे हेयर फॉल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. सो दैट इज ऑल्सो अ नॉर्मल एंड नेचुरल फेज, वो आप लोगों को पता है वो फेस करना ही है. एंड डेफिनेटली उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी हैव मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसके बारे में आएंगे. सो अभी जो 9 नंबर पॉइंट है ये एक बहुत ही मेजर कॉजेज, नॉट ओनली मेजर एंड ये एक बहुत बढ़िया मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं एंड डेफिनेटली इट्स अ मेन कॉज आई कैन से इन नाउ अ डेज, जो कि है ओवर यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड अप्लायंसेस. सो हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि शैम्पू, ऑयल, सीरम्स एंड एवरीथिंग, ऑल आर वेरी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स. एंड उसके साथ हीट अप्लायंसेस, कोई भी स्टाइलिंग्स, कोई भी कुछ चीज हम लोग अप्लाई कर लेते हैं एंड दैट जो इफेक्ट, उसका आफ्टर इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ही परेशानी देते हैं. So on that case, overuse of chemical products and appliances is also a main cause हम लोग की hair fall के पीछे. And इसके बाद जो 10 जो हम लोग cause यहाँ पे मैंने यहाँ पे show किया वो है thyroid and liver problem. Definitely अगर आपका internal problem है, सिर्फ थायराइड या लिवर नहीं, अगर आपका कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है तो इंटरनल प्रॉब्लम से भी ये हो सकता है. सो बी take the precaution for that. Be very careful about that. कि अगर कोई आपका internal problems है, जैसे कि thyroid, liver problem या ऐसे such type of problems, तो आप लोग जरूर उसका ध्यान ले and उसको पहले ठीक करे. नहीं तो अगर problem internally रह जाएगा and आप ऊपर से products ऐसे ही इस्तेमाल करते रह जाएंगे, so definitely it's not gonna work. So, आपको ये पहले इंटरनली को जो प्रॉब्लम्स है, जितने सारे प्रॉब्लम्स है उसको पहले ठीक करना है एंड उसके साथ आपको एक्सटर्नली प्रोडक्ट्स भी यूज करना है. सो डेफिनेटली हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे. सो भी जो एक मेन क्वेश्चन सबके दिमाग में, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो जल्द से जल्द रेज हैंड कर दीजिए कि हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल. इतना तो कॉजेज हम लोग देख लिए हैं, हम लोग हेयर का साइकिल भी देख लिए हैं, लेकिन हाउ टू स्टॉप दैट, स्टॉप कैसे करना है, ये जो हम लोग परेशानी भोग रहे हैं, ये जो हम लोग का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इससे हम लोग कैसे बाहर आए, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल. सो फर्स्ट स्टेप, आपको ऑयल यूज करना है. फर्स्ट स्टेप
आपको ऑयल यूज करना है, क्योंकि ऑयल एक ऐसा चीज है जो आपके स्कैल्प को सही रखता है. एंड नॉट ओनली दैट, ये ऑयल सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हेयर की एकदम कटिकल्स तक, सॉरी हेयर फॉलिकल्स पे जा सकता है एंड ये रूट तक पहुंच सकता है एंड आपके हेयर्स को मजबूत बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है. सो इसीलिए ये ऑयल मतलब फर्स्ट स्टेप बहुत ही जरूरी है. ये स्टेप हम लोगों को सबको फॉलो करना चाहिए, इसको स्किप नहीं करना चाहिए. सो पहला कि जैसे कि मैंने कहा कि ऑयलिंग यानी कि ऑयल आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है. फर्स्ट बेनिफिट्स दैट इज ये आपका स्कैल्प को बहुत ही अच्छे रखेंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे. एंड सेकेंड बेनिफिट्स अगर मैं बताऊंगी तो ये हेयर ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. थर्ड बेनिफिट, ये आपके हेयर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे. एंड फोर्थ पॉइंट, ये डैंड्रफ से भी हम लोग को प्रिवेंट करेंगे. सो इट्स अ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वी आर गेटिंग. एंड इसके साथ ये एक शाइन एंड ग्लो लाएंगे आपके हेयर में. एंड नॉट ओनली दैट, आपके हेयर को बहुत सारी चीज से प्रोटेक्टेड रखेंगे. सेम एज अगर मैं और एक पॉइंट बताऊंगी तो वो है प्री मैच्योर ग्रेइंग. जैसे कि मैंने कहा कि प्री मैच्योर ग्रेइंग इज अ डिफरेंट सेगमेंट, सो उसके साथ हेयर फॉल का कोई रिलेशन नहीं है. लेकिन प्री मैच्योर एजिंग जिसका है, जिसका हो रहा है, वो लोगों को पता है कि ये कितना मतलब बहुत ही ये दुख होता है जब प्री मैच्योर एजिंग मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है. मतलब उम्र है 20-21 या फिर 25 के अंदर एंड उनका बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ये एज मतलब प्रीमैच्योर एजिंग स्किन में भी हो सकता है. सो डेफिनेटली इस हम लोग ऑयल की वजह से ये भी अवॉइड कर सकते हैं. एंड उसके बाद डेफिनेटली द मोस्ट पॉइंट दैट इज प्रिवेंट्स द हेयरफॉल को रोकेंगे एंड स्ट्रेस भी रिलीफ होता है कोई भी ऑयल मसाज से. सो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑयल है जिससे हम लोग को ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ रेड ऑनियन हेयर ऑयल विथ ब्लैक सीड्स एंड ये नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये रेड ऑनियन हेयर ऑयल आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेंगे. नॉट ओनली आपका हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ भी बरकरार रखेंगे एंड उसके साथ आपका हेयर में जितने सारे प्रॉब्लम्स आपके स्कैल्प में फेस हो रहा है वो भी उससे भी आपको बाहर लेके आएंगे. सो डेफिनेटली इट्स अ प्रोडक्ट यू हैव टू यूज दिस, क्योंकि ऑयल इज द फर्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने कहा. एंड रेड ऑनियन ऑयल विल हेल्प यू, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि सेकंड स्टेप है, वो है शैम्पू. एंड शैम्पू इज डेफिनेटली इट विल क्लियर योर सरफेस, इट विल क्लियर योर स्कैल्प. इट एंड ये एक प्रॉपर हाइजीन है एंड ये आपके स्कैल्प को क्लीन करते हैं, आपके हेयर्स को क्लीन रखते हैं एंड इट्स अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी. सो डेफिनेटली ये आपके हेयर हाइजीन को इम्प्रूव करते हैं, आपके स्कैल्प का कंडीशन को क्लीन रखते हैं, स्कैल्प को अच्छे रखते हैं एंड उसके साथ ही आपके जो ग्रीजिंग होता है या फिर ऑयल अप्लाई करने के बाद जैसे कि चिपचिपाहट हो जाता है उसको भी दूर हटाने का काम करता है. एंड डेफिनेटली कोई शैम्पू तो बहुत कम शैम्पूज ऐसा है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. सो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ देम एंड ड्राई स्कैल्प को भी सही रखता है एंड हेयर स्टाइल्स में भी हम लोग को हेल्प करते हैं. सो डेफिनेटली ऐसा एक शैम्पू है हम लोग के पास एंड इट्स अ सिग्नेचर शैम्पू. सो वी कैन से इट्स अ शर्वाश्री शैम्पू जो हम लोग को यूज करना चाहिए आफ्टर रेड ऑनियन हेयर ऑयल. रेड ऑनियन हेयर ऑयल हम लोग रात को अप्लाई करेंगे एंड फुल नाइट हम लोग वो छोड़ देंगे, वैसे ही सुबह उठ के हम लोग शैम्पू करेंगे. आई थिंक इट्स क्लियर. ये रात को हम लोग को अप्लाई करना है एंड सुबह उठ के ये हम लोग जस्ट एज अ शैम्पू जैसे हम लोग करते हैं. जब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 7 बजे अगर उठेंगे तो 7 बजे ही शैम्पू कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है. हम लोग मतलब उठने के बाद टाइम लेके जब भी हम लोग नहाते हैं तब हम लोग शैम्पू कर लेंगे. डेफिनेटली आफ्टर रेड ऑनियन हेयर ऑयल वी कैन यूज
करवाशी शैम्पू, इससे हम लोग का हेयर फॉल बहुत ही कंट्रोल में रहेंगे एंड हेयर फॉल बंद भी हो जाएंगे एंड हेयर अच्छे भी रहेंगे, हेयर का ग्रोथ सही रहेगा, हेयर का नरिशमेंट सही मिलेगा, हेयर का जो कटिकल्स है वो भी बहुत मॉइस्चराइज्ड रहेंगे, शाइनिंग हेयर एंड ग्लोइंग हेयर मिलेंगे। सो डेफिनेटली इसके बाद कौन सा स्टेप करना है, ये दो तो मेन स्टेप था, इसके बाद जो करना है वो है हेयर ट्रीटमेंट डेफिनेटली, क्योंकि ये जो हम लोग का आउटर हेयर कटिकल जैसे कि पॉल्यूशन एंड यूवी रेस की वजह से जो डैमेज हो रहा है हेयर को, वो डैमेज को अगर प्रोटेक्ट करना है सो डेफिनेटली हम लोग को हेयर ट्रीटमेंट को यूज कर है, क्योंकि हेयर अभी हम लोग का ब्रेकआउट हो जाता है, बीच बीच से टूट जाता है, ये इसका रीजन एक ही है कि हेयर को वो नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, हेयर को वो प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो ब्रेकआउट हो रहा है। सो ऑन दैट केस हेयर ट्रीटमेंट हम लोग को सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे वो परेशानी से दूर हटने के लिए। सो अभी ये हेयर ट्रीटमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। सो ये हेयर ट्रीटमेंट की हिसाब से ये तो आपको एक सॉफ्ट एंड शीन टेक्सचर देंगे आपके हेयर को, एंड ये आपकी हेयर डैमेज को रिड्यूस करेंगे, यानी कि हेयर ब्रेकआउट्स को, हेयर ब्रेकेजेस को, एंड स्प्लिट एंड्स को मिनिमाइज करेंगे, जैसे कि दो मुहा बाल, इसको भी ये कम करेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल कंडीशन योर हेयर, एंड ये एक स्पा का भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ऊपर से एक ट्रीटमेंट भी आपको मिल रहा है, यानी कि एक हेयर ट्रीटमेंट भी आपको मिल रहा है एंड मेक्स योर हेयर हेल्दी। सो डेफिनेटली आपके हेयर को अगर हेल्दी बनाना है, जैसे कि हम लोग खुद बहुत सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं खुद को हेल्दी बनाने के लिए, सो सेम एज फॉर हेयर, हेयर को भी हेल्दी रखने के लिए हेयर का ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द हेयर ट्रीटमेंट जो हम लोग के पास है, कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट, ये एज अ स्पा, एज अ कंडीशनर, एज अ ट्रीटमेंट ये यूज हो सकता है एंड आपके हेयर के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा एंड आपके हेयर कटिकल्स में जितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है उससे आपको बाहर लेके आएंगे। सो डेफिनेटली इट्स अ प्रोडक्ट, अभी ये कैसे आपको यूज करना है। सो आपने हेयर ऑयल यूज कर लिए हैं, फिर आपने शैम्पू कर लिए हैं सुबह उठ के, अभी शैम्पू करने के बाद भीगे बालों में जस्ट हेयर लेंथ में, ये स्कैल्प में नहीं देना है, जस्ट हेयर लेंथ में आपको अप्लाई करना है एज अ कंडीशनर। कंडीशनर जैसे आप अप्लाई करते हैं वैसे आपको हेयर लेंथ में आपको अप्लाई करना है, एंड अप्लाई करने के बाद आप जस्ट 2 to 3 minutes आप रुक जाइए, वैसे ही छोड़ दीजिए उसको, एंड उसके बाद आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए। सो दिस आर द 3 steps, एंड इसके बाद अगर मैं बात करूंगी सो हेयर सीरम इज द लास्ट एंड 4th step हम लोग को यूज करना चाहिए, हम लोग का हेयर फ्रीजी ना हो जाए एंड यूवी रेस से हम लोग का हेयर प्रोटेक्टेड रहे एंड हम लोग के हेयर को एक बैरियर क्रिएट हो पॉल्यूशन एंड यूवी रेस से, ये जो मतलब डायरेक्टली आके जो हीट करता है वो डायरेक्टली आके हीट ना करे, इसके लिए हम लोग को हेयर सीरम यूज करना चाहिए। ये हम लोग का फ्रीज को कंट्रोल करते हैं एंड इसके साथ ये हम लोग का हेयर का स्मूथनेस को बढ़ाते हैं एंड टैंगल्स जो आ जाते हैं हेयर में, टैंगल्स उसको भी ठीक करते हैं, हेयर का शाइन को बरकरार रखते हैं एंड ये स्ट्रेटन्स एंड कर्ल्स, जो लोग स्ट्रेट करते हैं, जो लोग कर्ल करते हैं, उससे पहले भी ये हेयर सीरम को यूज कर सकते हैं एंड इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हीट अप्लायंसेस, जो हम लोग हीट अप्लायंसेस यूज करते हैं हेयर में, तो अगर उससे पहले अगर हम लोग ये सीरम को यूज करेंगे सो डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प अस, ये हीट डायरेक्टली नहीं आएगा हम लोग के हेयर में, सो हेयर प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेस। So, इसके लिए हम लोग को सीरम यूज करना चाहिए और हम लोग के पास जो सीरम है वो ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल बेस से ये सीरम बनाया गया है, जो सीरम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हेयर को स्वस्थ रखेंगे, ग्लोइंग रखेंगे, शाइन आपका हेयर का बरकरार रहेगा। तो ये 4 प्रोडक्ट के साथ, यानी कि पहला ऑयल, फिर शैम्पू, फिर हेयर ट्रीटमेंट एंड लास्टली हेयर सीरम, ये 4 प्रोडक्ट के साथ हम लोग का हेयर को अच्छे रख सकते हैं, हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं, न्यू हेयर का भी ग्रोथ बरकरार रख सकते हैं।
एंड अगर आप बात करेंगे कि सप्लीमेंट कौन सा लेना है, सो देर आर मेनी सप्लीमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने रिद्धि मैम का क्लासेस शायद आप लोग देख चुके हैं, रिद्धि मैम ने वेबिनार में कहा है कि हेयर एंड स्किन के लिए कौन सा सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा रहता है, तो एक वेबिनार ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली फॉर हेयर ग्रोथ अगर मैं बताऊंगी, सो यू कैन टेक आंवला जूसेस, क्योंकि आंवला जूस या फिर आंवला टैबलेट्स दो ही है हम लोग के पास। सो ये आंवला क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो एक हेयर का जैसे कि मैंने कहा लाइफ स्पैन होता है, वो लाइफ स्पैन 5 to 6 years है, तो कहीं ना कहीं वो अभी घट रहा है या फिर सही नहीं चल रहा है, उससे पहले भी पहले ये मतलब रेस्ट में जा रहा है। सो ऑन दैट केस आंवला गोना हेल्प यू, क्योंकि आंवला ये नेचुरल स्पैन जो है हेयर का उसको सही रखने में, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं आंवला। सो डेफिनेटली यू कैन टेक आंवला एज अ सप्लीमेंट फॉर योर हेयर, एंड नॉट ओनली दैट इसके साथ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एडवांस मल्टी प्लस ब्यूटी टैबलेट्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर स्किन एंड हेयर, एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग जाके वो वेबिनार देख सकते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स फॉर स्किन एंड हेयर बेनिफिट्स, सो आप वो भी देख सकते हैं। एंड ऐसे ही ये 4 products के साथ, ये externally ये 4 products के साथ आप आपका हेयर को strong, मजबूत, हेल्दी, स्वस्थ एंड बहुत ही शाइनिंग हेयर आपको मिलेंगे, एंड हेयर फॉल से तो बिल्कुल ही आप लोग का मतलब रिश्ता खत्म हो जाएगा, अगर आप रेगुलर बेसिस ये 4 products को इस्तेमाल करते हैं, ये 4 products अगर आप आपके रूटीन में रखते हैं, सो डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प यू। एंड अगर मैं एक पॉइंट जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है, यानी कि इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम है आपको, सो इंटरनली अगर प्रॉब्लम है सो डेफिनेटली आपको वो ट्रीट करना है। अगर आपको इंटरनली प्रॉब्लम है एंड आप ये 4 products आप यूज कर रहे हैं एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड फिर आप आके कहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स काम नहीं किया, प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है तो आप एक्सटर्नली कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज कर लीजिए, वो काम नहीं करने वाले हैं। सो डेफिनेटली हियर इट वॉज अ वेबिनार अबाउट हेयर फॉल कंट्रोल, क्योंकि ये आप लोगों के तरफ से एक सजेशन आया था प्रीवियस वेबिनार में कि एक हेयर फॉल के ऊपर वेबिनार हो जाए, सो आप लोगों के लिए ये वेबिनार था। अगर ऐसा कोई सजेशन आपके तरफ से है कि नेक्स्ट वेबिनार में क्या रखा जाए, नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक क्या हो सकता है, तो आप लोग जरूर यहाँ पे बता सकते हैं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो मेरा वेबिनार यही तक था, सो आई थिंक अगर होस्ट है सो ओवर टू आवर होस्ट सरवजीत सर। आई थिंक सरवजीत सर शायद नहीं है, सो लेट मी कंटिन्यू। सो अगर आप लोगों का कोई सवाल है रिगार्डिंग दिस तो आप लोग कर सकते हैं, और कोई अगर क्वेश्चन है तो। अच्छा पहले आप बताइए आज का वेबिनार कैसा रहा, मतलब आपका सारा डाउट्स सारा क्वेरीज क्लियर कर पाई क्या मैं या फिर नहीं कर पाई? ओके ओके थैंक यू। सबने यहाँ पे कमेंट करना ऑलरेडी चालू कर दिए हैं, सो कमेंट का एक मतलब एक शब्द मुझे बोलना है सिर्फ, और कमेंट यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं पढ़ते पढ़ते सब स्कीप हो जाता है। सो थैंक यू, क्योंकि ये आप लोगों को क्लियर करने के लिए ही था ये वेबिनार। सो अगर आप लोग क्लियर हो गए हैं, अगर आप लोगों का क्वेरीज एंड डाउट्स सारा सब कुछ क्लियर हो गया है, सो डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू एंड हेल्प अस टू ग्रो द बिजनेस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट मैम, बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू फॉर दैट। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकता है। पिंपल्स प्रॉब्लम टॉपिक ये आया है सजेशन, पिंपल्स प्रॉब्लम का टॉपिक अगले हफ्ते के लिए। ओके, सो पिंपल्स के लिए ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप लोगों का सजेशन आया है, सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। सो नेक्स्ट वेबिनार में पिंपल्स का एक सेशन मैं जरूर आप लोगों के लिए रखूंगी। डन मैम, सो थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल नॉलेज, और हेयर फॉल के लिए मेरे ख्याल से अब सबको निजात पाने के लिए मौका मिल गया है कि सरुषि के कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें।
तो एक सजेशन आया है, एक हेयर कलर से भी बाल झड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा पहले कि स्टाइलिंग एंड अप्लायंसेस, ये सारी चीज से हेयर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइलाइट्स वगैरह, हेयर कलर्स वगैरह. सो दिस ऑल आर सेम कैटेगरीज. हम लोग स्टाइलिंग के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, प्रिवेंशन नहीं लेते हैं, एंड उसके वजह से हम लोग का हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट्स. ये सारे जो फोर प्रोडक्ट्स, चार प्रोडक्ट्स मैंने आज आप लोग के सामने शेयर किया है, ये सारे फोर प्रोडक्ट्स अगर रेगुलर बेसिस एज अ रूटीन अगर आप लोग अप्लाई करते हैं हफ्ते में 2 से 3 दिन, तो आपका ये सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे. मैम, कम एज में बाल सफेद हो जाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए हम लोग के पास जो दो प्रोडक्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं, वो है 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल एंड उसके साथ नोनी ब्लैक शैम्पू. ये दो चीज, मैजिक नोनी ब्लैक शैम्पू अलग है एंड नोनी ब्लैक शैम्पू अलग है. सो नोनी ब्लैक शैम्पू एंड 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल, ये दो प्रोडक्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं फॉर प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर. इससे ऐसा नहीं कि आपका जो प्री मैच्योर हो गया है वो बंद हो जाएगा, वो काला हो जाएगा, ऐसा नहीं. लेकिन आपका जो आ रहा है प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर, ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इट विल बी अंडर कंट्रोल. सो इसके लिए ये दो प्रोडक्ट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम। बाकी और सवाल जो है इस टॉपिक से अलग है। डैंड्रफ के लिए कोई प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, डैंड्रफ के लिए मैंने प्रीवियस वेबिनार में भी बता चुकी थी, डैंड्रफ के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है हम लोग के पास, जो कि है जिंजर शैम्पू. सो आप लोग जिंजर शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो बाल उड़ गए हैं क्या वो दोबारा आ सकते हैं? वो डिपेंड करता है एज के हिसाब से, वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स या फिर जितने सारे प्रॉब्लम्स आता है. बैल्ड हेयर के बारे में अगर उनका जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपका बैल्ड हो गया है, टोटल बाल उड़ गया है, अगर वो एलोपेशिया हुआ है, तो इट कैन बी पॉसिबल आपका हेयर फिर से आए. लेकिन अगर वो जेनेटिक है, वो उम्र के साथ साथ गया है, सो 50 ईयर्स, सो आई डोंट थिंक कि इट्स अ मतलब गारंटीड और एश्योर्ड कि ये बाल फिर से आएंगे. इट्स नॉट गारंटीड, क्योंकि 50 ईयर्स, ये एज के साथ साथ, मैंने ऑलरेडी कहा कि एज के साथ साथ बाल ऑलरेडी झड़ना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर 40 to 45 ईयर्स नेचुरली बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है. सो आई डोंट थिंक कि ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा कि बहुत ज्यादा बाल आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन अगर वो 100,000 स्ट्रैंड से आपका स्ट्रैंड अभी भी कुछ कुछ स्ट्रैंड सही है, तो उससे नया हेयर फॉल, नया हेयर ग्रो हो सकता है, क्योंकि नया स्ट्रैंड्स तो हम लोग बना नहीं सकते हैं. सो जो आपके हेयर्स है, जो स्ट्रैंड्स आपके स्कैल्प में है, वो सारे अगर सब कुछ सही है, तो नया हेयर्स का ग्रो हो सकता है. राइट मैम, मेरा बहुत से हेयर फॉल हो रहा है, बट आज मेरा क्लियर हो गया उनको। हिना अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कभी हेयर कलर इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हिना अप्लाई कर रही हूँ, फिर भी बाल झड़ रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? रीजन तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि मैंने मेजर कॉजेज में बताया, पॉल्यूशन, यूवी रे, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारे रीजंस हो सकता है. मैंने 10 रीजंस खड़ा किए थे आज के वेबिनार में. सो रीजन कैन बी एनीथिंग, लेकिन आपको कैसे प्रिकॉशंस लेना है, आई थिंक ये वेबिनार के बाद आपको क्लियर हो चुका है. तो आप प्रिकॉशंस लीजिए एंड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, एंड आपका प्रॉब्लम्स एकदम, ये गारंटेड है, आपका ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स से आप बाहर आएंगे. राइट मैम, थैंक यू। बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका है और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप इसको फिर से रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आप वही सवाल बार बार रिपीट कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 12-13 साल की एज में हेयर फॉल हो रहा है तो क्या करें? वही अर्ली हेयर एजिंग। फॉल नहीं, ये हेयर सफेद हो रहा है, हाँ हेयर व्हाइट हो हाँ रहा है. सो डेफिनेटली सेम प्रॉब्लम, ये प्री मैच्योर है. तो हम लोग वही दो प्रोडक्ट, अगर 13 आप हैं तो हम लोग वो प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल नॉलेज ऑन हेयर। और बाल जो जिनको सर का मुकुट कहा जाता है, उसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तो बाल नहीं होंगे तो
तो आप कैसे लगेंगे, आप महसूस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, सोचने का मन भी नहीं करेगा, ऐसा सोचने के लिए हिम्मत भी नहीं आएगी। तो बालों का ख्याल रखने के लिए आज बेहतरीन नॉलेज अनुषा मैम ने दी है, थैंक यू फॉर दैट मैम। एंड ऐसे ही नेक्स्ट वीक आपका एक और सेशन जो एक दूसरे टॉपिक पे होगा, जिसको सुन करके हमें और भी नॉलेज मिलेगी और हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे और अपना भी ख्याल रख पाएंगे। तो थैंक यू आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातों को सुनने के लिए जो आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगी और आपके बालों का भी ख्याल रखेगी, राइट। तो हम अपने वेबिनार को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे बिजनेस को, SHPL के बिजनेस को, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।